अभी हम लोग जहाँ पर गए थे उसका नाम था कदम वहीं पर यमुना नदी, वहीं से इनके ठाकुर जी को श्री नित्यानंद प्रभु ने वहीं से भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए आप करना जितने विष्णु तत्व है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ना जन्म कर्म जमे दिग्गम एवं जानति तत्त्वतः तत्त्वा देहं पुनर्जन्मामि नयति मामे छोड़ने का बाद दो बार जगत में जन्म नहीं लेता है। लेकिन जिसने जितने विष्णु तत्व हुए हैं वो कभी शरीर नहीं छोड़े, जैसे कृष्ण श्री दाऊ भैया है ये कभी शरीर नहीं छोड़े, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने लास्ट में श्री जगन्नाथ जी और गोपीनाथ का शरीर में ही समाये, उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु आकर उन्होंने किसी विग्रह में ही नित्यानंद प्रभु ने अंतिम समय में समा गए। इसलिए उनको दो तरह से देखो, वसुधा और जानवा, क्योंकि कृष्ण और बलराम कोई अभिन्न नहीं, इसे नित्यानंद प्रभु चुके शरीर में समाये थे, इसलिए उनको पास में श्री कौन है वसुधा श्री जानवा नगुरारी जी के शरीर में। इनके जो इस तरफ के ठाकुर जी को दोस्तों इनका नाम है, क्या नाम है, मुरलीधर, वहां कथा सुन रहे थे ना, जिस समय श्री लक्ष्मीपति तीर्थ आकर के श्री नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर के चले गए और हराई पंडित इतने दुखी हो गए, इसलिए श्री उन्होंने बोले देखो तुमको मैं एक ठाकुर को देता हूँ, ये ठाकुर में जब जब तुमने नित्यानंद प्रभु का विरह में दुखी बनोगे इसी में ही तो नित्यानंद प्रभु का स्वरूप का दर्शन करोगे। इसलिए वो जो ठाकुर देखो इस तरफ में उनका नाम मुरलीधर है, जब जब श्री हराई पंडित बड़े दुखी हो जाते थे तब इनको जब दर्शन करते थे इन्हीं के अंदर में नित्यानंद प्रभु को उन्होंने दर्शन प्राप्त करते थे। इसलिए ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान, हम लोगों ने श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा का अंतिम पड़ाव में जो श्री नित्यानंद प्रभु का धाम में आए ना, समझो तुम्हारी परिक्रमा क्या हो गया, क्योंकि इनकी कृपा के बगैर महाप्रभु मिलेगी करुणा आवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, निताई विनय भाई राधा कृष्ण, इनकी कृपा से ही श्री महाप्रभु का कृपा प्राप्त होता है। इसलिए हम नित्यानंद प्रभु से देखो एक चीज का प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करो, ये प्रभुपाद का अंतिम उपदेश इतने चीज गांठ बांध कर ले लो तो समझो जीवन धन्य, कहते सत लाछना सत गंजना सत्य अपमान सुन कर भी प्रभुपाद करके कभी हरी भजन नहीं छोड़ना, कभी हरी भजन नहीं छोड़ना। मेरे गुरुदेव कहते थे साधारण भाग्य से भगवान की भक्ति में कोई नहीं आते, बड़े सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा को भी सोपी मामले करोड़ों करोड़ों जन्म का जब भक्ति उन्मुखी सुखी एकत्रित होता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान जीव को गुरु कृष्ण कृपा से ही भक्ति लता भी प्राप्त होता है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे देखो कितना किसी तरह से एक जीवन जैसे जो कुछ कर रहे हो स्नेह मान प्रणय की जरूरत नहीं, केवल मेरे गुरु जी कहते थे एक जीवन किसी तरह से जो तिलक लगा रहे हो तिलक लगाते रहो, गले में जो कैंती कैंती पहनते रहो, ठाकुर पे जो भोग लगाओ भोग लगाते रहो, सवेरे उठ करके जो ठाकुर का आरती करते रहो, तुलसी जो परिक्रमा करते तुलसी परिक्रमा करते रहो, एक जीवन मेरे गुरुदेव कहते थे किसी तरह से एक जीवन बिताओ, प्रभुपाद का अंतिम उपदेश यही एक जीवन है। लेकिन मैं मंदिर में रहता हूँ ना जानता हूँ, अगर 99% जो मंदिर में आते हैं ना 99% मंदिर छोड़कर चले जाते हैं, और जो 1% जो मंदिर में रुके हुए वो भी बड़े कठिन से रुके हुए, मैं जो चीज देख रहा हूँ। इसलिए किसने प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद जी वो जो ब्रह्मचारी आया था ना वो तो घर छोड़ मंदिर छोड़कर चला गया, प्रभुपाद कहते थे जो गया तो गया, जो अभी तक है मैं सोच रहा हूँ अभी तक वो कहीं से मंदिर में टिका हुआ था, बड़ा आश्चर्य हो रहा हूँ, ये प्रभुपाद का वचन है। इसलिए एक जीवन नित्यानंद प्रभु से इतना ही प्रार्थना
प्रार्थना करो। हे नित्यानंद प्रभु, आपकी कृपा से ही हम लोग जीवन के धरा में आए। अब हम सबको ऊपर में कृपा करो, जैसे एक जीवन गुरु वैष्णव के अनुग्रह में इसी भक्ति जगत जीवन में टिकी रहे। क्या करे? टिकी रहे। ये बोले टिकी रहे और कुछ नहीं। अगर इतना हो जाएगा, मेरे गुरुदेव कहते थे तुमने बहुत कुछ करके गए, और भक्ति कभी घटती नहीं, मेरे गुरुदेव कहते थे। इसलिए विदा कहती है ना, दीन दीन घटती नहीं, हर जीवन में भक्ति बढ़ करके प्रकट होगी, आपको ब्याज समेत मिलेगी। केवल इतना केवल नित्यानंद प्रभु से मांग करके जाओ, और यहीं पर इतना ही कसम खा करके जाओ। क्या जिंदगी भर सारा दुनिया छूट जाए, दुनिया तो छूटेगा ही, लेकिन दुनिया छूट जाए, लेकिन जैसे आपका भक्ति कभी जीते मैंने छूटे नहीं। अगर इतना अगर कर दिया जीवन में, बात समझो मेरे गुरुदेव कहते थे, समझो ये जीवन तुम्हारे धन्य हो गया, जीवन तुम्हारी धन्य हो गया। फिर अगले जीवन में यही संस्कार ही आपको फिर दूसरे जीवन में आपको ब्याज समेत फिर प्राप्त होगा। बढ़ करके प्राप्त होगी, कभी घट करके भक्ति प्राप्त नहीं होता। ठीक है, बस श्री गुरुपाद भक्त की प्रभु की जो जहाँ जो जा रहे गाड़ी में बैठे थे वहीं पर जाकर के बैठ जाओ, आंख बंद करके चल जाओ।